तो मजेदार है। अब हमारे पास इतना खाना है कि हमें सर्दियों में खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा, हम आ गए। तुम सारे बादाम ले आए ना? हमें ही ये बोरियां लानी पड़ी, आप क्यों नहीं आए हमारे साथ? ये तो गलत बात है। मैं इनकी रखवाली कर रहा था। चलो अब इन्हें भी यहाँ रख दो। ठीक है, अब हम इन्हें ढक देते हैं। ध्यान से देख लो, ये हमारे खजाने का नक्शा है जो सिर्फ हमें ही पता है। जगह तो हमें याद है, तो नक्शे की क्या जरूरत? लो कर लो बात। बेकार की बात मत करो, नक्शा होना समझदार आदमी की निशानी होती है। ये खाना हमारी ताकत है जिसके सहारे हम सर्दियाँ बिना किसी चिंता के निकाल सकते हैं। इसीलिए ये बात याद रखना गॉन, ये खजाना तुम्हें बचाना होगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बात हजम नहीं हुई। अब्बा कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हैं। मुझे तो ये खजाने का चक्कर बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए इस नक्शे को कोई छुपा देते हैं, वरना बेकार की कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए। समझे ना तोते छे? मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। कुछ सुना तुमने? सुना, बहुत कुछ सुना। जब भी खजाने के बारे में सुनता हूँ तो उसे चुराने की खुजली होने लगती है। खुजली होने लगती है। तो चलो साथियों, उसे चुराने के लिए तैयार हो जाओ। हो गए, हो गए। तो चलो। चलो इनके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सुनो तोते छे, तुम्हारे हिसाब से हमें ये नक्शा कहाँ छुपाना चाहिए? वही सोच रहा हूँ। हमें सही जगह मिल गई। ये कैसी जगह है? इसके अंदर छुपा देते हैं। देखो कितनी जगह है यहाँ अंदर। मैं भी आ रहा हूँ। अरे मैं... आखिर मैं आ गया। फंस गए ना हमारे जाल में। अब नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। तोते चैन, यही वो खजाने का नक्शा है ना जिसे तुम छुपा रहे थे? छुपा रहे थे। इन्हें कैसे पता? ये अच्छा नहीं हुआ। उस्ताद, क्या हुआ? अब और नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल भी नहीं। बड़ी जल्दी थक गए। नक्शे का कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसके हिसाब से खजाने का रास्ता नदी से होकर जाता है। चलो साथियों, नदी पर चलते हैं। नदी पर चलते हैं। उन बदमाशों ने हमारे खजाने का नक्शा चुरा लिया, हमें नक्शा वापस लेना होगा। मैं तैयार हूँ। जल्दी चलो तोते चे। मैं आ रहा हूँ। तोते चे, यही है वो नक्शे का निशानी वाला पत्थर। यही है, यही है। चलो नदी पार करते हैं। पार करते हैं, पार करते हैं। कूदो, कूदो, कूदो। हो गया काम। ये तीर इस तरफ इशारा कर रहा है। इस तरफ इशारा कर रहा है। मधुमक्खियाँ भागो, बचाओ। मधुमक्खियाँ भागो, बचाओ। अब देखो मेरा कमाल। हाँ, अब ठीक है तो दीजिए। अब हमें इस तरफ सीधे जाना है। सीधे जाना है, सीधे जाना है। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलो, चलते चलो। भागो, जल्दी से मुड़ जाओ, मुड़ जाओ।
हमें फिर मुड़ना है। हाँ जल्दी से मुड़ जाओ, जल्दी से मुड़ जाओ। यही है वो जगह, यही जगह है, ये वो जगह नहीं है, ये नहीं है। हमने उन बदमाशों को इतना मजा चखा दिया कि वो खजाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो यही आ रहे हैं। हाँ? वो तो बहुत जिद्दी निकले तोते शेर, अब क्या करें? कुछ सोचना पड़ेगा। लगता है अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमें खजाना जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, खजाना उसी जगह पर है, अब हमें खजाना लेने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जा, रुक जा, रुक जा। हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकते। रुक सको तो रुक जा। वो अब भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो अब क्या करें? इसे यही छोड़ दो। गॉन की अम्मा, तुम्हें नहीं लगता खाने का कचरा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है? वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि गॉन और तोते चैन की भूख आजकल बहुत बढ़ गई है। मैंने कचरे के लिए जो गड्ढा खोदा था वो कहाँ है? खजाना कहाँ है बताओ, खजाना कहाँ है? वो यही होगा। हम रुके भी तो कौन सी जगह तोते चैन? लो कर लो बात। खजाना कहाँ है बताओ, खजाना कहाँ है? खजाना ये कचरे में कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं? समंदर के पार क्या है? वाह, यहाँ से समंदर नजर आता है। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन पता है समंदर के पार क्या है? मुझे तो नहीं पता। तुम देखने चलोगे क्या? नेकी और पूछ पूछ। क्या बात है बेटा? हम समंदर पर घूमने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन रात होने से पहले लौट आना, ठीक है? ठीक है। बहुत भूख लग रही है। अरे वाह, वहाँ केले लगे हुए हैं। तोते चैन चढ़कर केले ले आओ। अभी लाता हूँ। माओ 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 माओ। मामा के बच्चे ने मेरा पापड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फायदा ये हुआ कि हमें बहुत सारे केले मिल गए। तो खाओ केले। मेरा तो पेट भर गया, मेरा टैंक भी फुल हो गया। चलो हम इसके अंदर आराम करते हैं। अच्छी जगह है। वही 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 वही। ओह अच्छा, तो ये जंगली तबीर का घर था। आगे खतरा है, तोते चैन रुक जा। वही 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 वही। मार दे टक्कर। इस तरह हम कैसे समंदर पार कर पाएंगे? अरे अब हम किस तरफ जाए, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तोते चैन, तुम्हारी कुछ समझ में आया? कौन है? भागो।
तोते चैन, उस चमकते तार की तरफ भागो। वही कर रहा हूँ। बहुत ठंडे, मुझे पता था कि चमकते तारे के पीछे भागने पर यही होता है। अप्पा ने मुझे इसके बारे में बताया था। असल में चमकते तारे के बारे में कहानी मैंने दादाजी से सुनी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम चमकते तारे के पीछे पीछे जाओगे। अरे वो देखो तोते चैन, पेंगुइन। कितनी प्यारी है। और वहाँ देखो वो सील मछली है। इसे देखो। अरे ये तो सफेद भालू है। कितना प्यारा है। लेकिन अप्पा ने तो कुछ और ही बताया था। असल में सफेद भालू बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना। लगता है वो चला गया। तुम्हें ये चाहिए तो पहले बता देते। आखिर हमने उसे चकमा दे ही दिया। आज कोई बड़ी मछली मिल जाए तो मजा आ जाए। आ फंस गई, लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। जोर लगाना पड़ेगा।